डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सैनिक स्कूल का जो सिक्स क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करना चाहेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 56, व्हाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसने क्या किया, 65 से मल्टीप्लाई किया, करना किसके साथ था, 56 से। तो ऑब्वियस आंसर जो आएगा थोड़ा बड़ा आएगा, तो आपने बताना वो कितने का डिफरेंस होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, 7236 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 65 माइनस 56, 15 माइनस 6 इज 9, 5 माइनस 5 इज 0, सो 9 का डिफरेंस आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 एंड 3 21, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 63 एंड प्लस 2 करेंगे तो 65, और आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन, यहां पे मैंने मेंशन कर रखी है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है यहां पे ब्रैकेट्स भी है, डिवीजन का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, तो आप बोर्ड मास का यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन, 1 डिवाइड का सिंबल, 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 डिवाइड, आप इसको थोड़ा साइड में सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, सो 9 माइनस 4, सो 9 माइनस 4 5 बाई 12 आ जाएगा। फिर तो आपने पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ली, पहले तो ब्रैकेट थी, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, बोर्ड मास ब्रैकेट, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट थी तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ गए 5 अपॉन 12। अब इस ब्रैकेट की टर्म है, बट इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा साइन आ रहा है, यहां पे प्लस के साइन है, बट आप पहले डिवीजन का साइन सॉल्व करेंगे। सो 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 6, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो यहां पे आपके पास जो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस, यहां पे सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 और प्लस 2 बाई 5, क्योंकि 2 बन जा 2 एंड 5 बन जा 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आता है आंसर, एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 15, नो 15 नहीं आएगा यहां पे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। सो 30 यहां पे कब आएगा, जब 5 2 15 जा करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाए 10 से, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से, 12 आ जाएगा आपके पास, और फाइनली जो आ जाएगा 25 प्लस 2 करेंगे 27 प्लस 10 37 अपॉन 30। तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर है आपके पास 37 ओवर 30 आ जाएगा। फिर से डिवाइड का सिंपल है, मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, 30 अपॉन 37 आ जाएगा, सो इक्वल्स टू 30 अपॉन 37 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जितनी भी लेंथ है सभी को ऐड कर दो भाई, 1 सेंटीमीटर प्लस ये 4 है, ये 4 है तो 8 सेंटीमीटर प्लस हाफ ये है हाफ ये, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2.5 प्लस 2.5 तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, तो इनको ऐड कर दो भाई, 9 और एक 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर जो है ए इज द करेक्ट आंसर, बट यहां पे एक ऑप्शन में ये भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो आपको पता है कि स्क्वायर यूनिट में क्या होता है, एरिया होता है, तो आपका आंसर ये ना होते हुए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कार्पेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड। तो पहले आप फ्लोर बना दीजिए और उसके अंदर आपने क्या किया है, कारपेट बिछा रखा है 3 मीटर ईच साइड है इसकी, और यहां पे आपके पास लेंथ है 5 मीटर और ये आपके पास 4 मीटर वाइड है। सो तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, 5 × 4 सो इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और कारपेट का एरिया कितना है, बिकॉज ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड आ जाएगा, सो साइड इंटू साइड इक्वल टू दिस इक्वल टू 9, बस माइनस कर दीजिए जो एरिया बचेगा आपका आंसर है 11 मीटर स्क्वायर। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर मींस एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है 6, 12, 18। तो एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है, या तो बड़ा नंबर होता है या बड़े वाले नंबर का मल्टीपल होता है। तो यहां पे बड़े वाला नंबर क्या 18 पर 18, 12 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से तो डिवाइड होता है, तो आप 18 का सेकंड मल्टीपल देखेंगे कितना आ जाएगा 36, 18 × 36, तो 36 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी डिवाइड होता है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, बट ऑप्शन में तो 36 है ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट मल्टीपल देखेंगे तो क्या आ जाएगा 36, सेकंड देखिए तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, इसी तरह करते करते मैं लिख रहा हूं 5 से तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं लास्ट वाला 10 से लिख रहा हूं तो 360 आ जाएगा, बट यहां पे ऑप्शन ये दोनों आपको सामने दिख रहे हैं कि यहां पे पड़े हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 180, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। गलती से भी आप इसको करेक्ट मत कर दीजिएगा बिकॉज आंसर इज 180। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन कैन बी दोज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कौन से यहाँ पे एंगल जो है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के होंगे। तो आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होती है, जिसके टू साइड्स आर इक्वल और जो अपोजिट साइड होती है उसके ऊपर इक्वल एंगल बनते हैं। तो हम इसे ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 90, सपोज कीजिए 90 आ गया, तो रिमेनिंग जो बचेगा दोनों का सम जो बचेगा वो 90 बचेगा, तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो हाफ कर दीजिए 45 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा 45, सो 90 एक आ जाएगा 45 और दूसरा कितना आ जाएगा 48, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेवन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला जो होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, बट यहां पे आपके पास विड्थ नहीं दे रखी हुई है, तो विड्थ सपोज कीजिए आपके पास एक्स है और लेंथ जो है वो विड्थ से 5 ज्यादा है, सो 5 ये आ जाएगी आपके पास। पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना इक्वल्स टू पी से मैं पैरामीटर लिख रहा हूं 50 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला डालिए 2 × L + V = 50, सो 2 डिवाइड कर देगा दूसरी तरफ तो 25 आ जाएगा, यहां पे L और V की वैल्यू डाल दीजिए प्लस करेंगे दोनों को तो ये x + x + 5 = 25, 5 दूसरी साइड माइनस हो जाएगा 2x = 20 और x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो ऑब्वियस है कि विड्थ आपके पास 10 आ गई एंड लेंथ आपके पास 5 ज्यादा है तो 15 आ गई भाई, तो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, लेंथ इनटू विड्थ मतलब 15 × 10 = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहां पे दे रखा है 12 persons can finish a piece of work
in 15 days. In how many days will the same work be completed by 20 persons? मतलब किसी काम को 12 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, तो आप बताइए कि 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। P1 का मतलब पर्सन जो फर्स्ट ग्रुप में थे, ठीक है, और दूसरे में सेकंड वाले पर्सन सेकंड ग्रुप में जो थे, और यहाँ पे D1 मतलब डेज, पहले वाले व्यक्ति जो लगे थे वो टाइम कितना ले रहे थे, और सेकंड वाले में आपको डेज कैलकुलेट करने। तो पर्सन मैंने 12 लिख दिए, इन टू डी वन कितने हैं 15, ये आपके पर्सन आ जाएंगे पी वन, और ये डी वन आ जाएगा, और यहां पे आपके पास ये पी टू है, और डी टू आपको कैलकुलेट करना है। सो 15 इक्वल्स टू पी टू की वैल्यू 20 है, डी टू रहने दो, ये इस साइड डिवाइड करेगा। 5 के टेबल का यूज कीजिए आप, 5 3 15, 5 4 20, 4 1 4, 4 3 12, 3 3 9, 9 days is the correct answer. Ninth question की तरफ आते हैं, the LCM of two prime numbers is, आपने बताया कि दो prime number लिए तो उनका LCM कितना आता है। मैं ले रहा हूँ दो prime number आपके पास 2 और 3 ले रहा हूँ, तो LCM of वैसे 6 आता है, means दोनों का product करें तो 6 आएगा। और ले लेता हूँ कि LCM of 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियस 35 भी आएगा। एक और एग्जांपल लीजिए आप, 35 एलसीएम ऑफ एक प्राइम नंबर लीजिए आप 3 और दूसरा 11 लीजिए, तो ऑब्वियस कितना आ जाएगा 33। सो करेक्ट आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 330 कम बाय बस, 400 कम बाय वॉकिंग एंड रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय पेरेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड बाय बस टू स्कूल। आपने वो वाले स्टूडेंट बताने हैं जो बस में से नहीं आते हैं। सो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स 1000, और बस में कितने आते हैं 330, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा आपके पास, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 9 में से 3 तो 6, मतलब 670 स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास बाय बस नहीं आते हैं। यही आपने परसेंटेज बतानी है कि कितने परसेंट है, तो आपको पता है परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर परसेंटेज लगा दीजिए, और नीचे आउट ऑफ कितना है मतलब टोटल कितने 1000, तो यहां से 3 0 एक कट हो जाएंगी, तो आंसर इज 67%, 67% इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहां पूछा है ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, इट हॉल्ट्स at station B from 1 hour before starting back. How much time will it take to complete the journey and reach back to station A? Actually question क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश की है। एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ चली और डिस्टेंस है उसके बीच में 616 किलोमीटर एंड स्पीड जो है आपके पास 112 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड है, तो आपने बताना है कि होल जर्नी में ए से बी तक जाएगी फिर बी से फिर से वापस आएगी तो कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे आपके पास टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, 616 ओवर 112, 2 से डिवाइड कीजिए, 5 2 10, 5 आ जाएगा 1 कैरी सॉरी 1 फॉरवर्ड, 12 बन जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 6, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, साथ में 2 का टेबल 2 2 4 1 8, और यहाँ 15 4 आ जाएगा, फिर से 7 से कीजिए, 7 4 28, 7 बन जाए 7 7 2 14, 1 कैरी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 11, सो 11 अपॉन 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है।
11 अपॉन 2 आर लगेंगे आपको, बट अब ट्रेन ने वापस लिया है तो जितना टाइम जाने के लिए लगा उतने आने के लिए लगेगा, मतलब ट्वाइस कर दो इसका, तो ट्वाइस करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 11 आवर्स बचेंगे। बट क्वेश्चन में कौन स्टेटमेंट डाल रखी है उन्होंने कि इट हॉल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग बैक। क्या हुआ कि जब उसने वापस आना था तो एक घंटा वो उसने रेस्ट किए वहां पे रुकी हुई है, तो एक घंटा वो भी ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक घंटा रेस्ट करी है उसने तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए टेबल वाज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3,360 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। आपने क्या करना है कि किसी चीज को आपने इतने रुपीज में टेबल को सेल आउट कर दिया और आपको 16% का लॉस हो गया, तो आपने बताना कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। सो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस, जब आपके पास प्रॉफिट दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस जितना आपके पास लॉस है, यहाँ पे लॉस को मैं से लिख रहा हूं, लॉस को आपने माइनस करना है, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस है तो माइनस करेंगे, इन टू एस पी, मतलब ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। सो 100 अपॉन 100 में से 60 माइनस किए कितने बचेंगे, 84, और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए अपना सेलिंग प्राइस, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, यहां पे 4 2 आ जाएगा और यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 एंड 6 1 लेफ्ट 8 और 0, आप फिर से 2 से कीजिए 2 1 आ जाएगा 8 4 0 आ जाएगा, 7 से करेंगे 7 3 जा 21 7 1 जा 7 1 लेफ्ट 14 बना 7 2 जा 14 0 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 0, सो 40 × 100 करके आपके पास आ जाएगा आंसर 4000। 4000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 17 रूम इन अ स्कूल, एवरी रूम हैज 2 फैंस एंड 4 एलईडी बल्ब्स, हाउ मैनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर्स 1 स्विच एंड 1 स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब्स, हाउ मैनी रूम्स, 17 रूम्स है भाई आपके पास और एवरी रूम हैज 2 फैंस, 2 फैन है और साथ में 4 एलईडी है, तो टोटल 6 हो गए भाई, टोटल 6 हो गए, तो हाउ मेनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर स्कूल। तो पहले तो आप चेक कीजिए कि हाउ मेनी फैंस, फैन कितने हो गए आपके पास, 34 हो जाएंगे बिकॉज 17 टू जा 34, प्लस बल्ब कितने हो जाएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा, तो हर एक फैन के लिए तो एक ही स्विच चाहिए आपको, तो ये तो ऑब्वियस है आपको 34 स्विचेस ही चाहिए, बट आपके पास यहां 2 बल्ब्स के लिए क्या है, एक स्विच होना चाहिए, तो इसका हाफ कर दो तो वो भी इतना आ जाएगा 34, दोनों को ऐड कर दीजिए 68, सो टोटल नंबर ऑफ स्विचेस इज 68 इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The product of 2 decimal numbers is this much. If one of the numbers is, एक नंबर आपके पास A जो ले लिया मैंने यहाँ पे एक नंबर है और आपने दूसरा नंबर find out करना है, suppose कर लीजिए मैंने B ले लिया, ठीक है B find out करना, तो दो numbers का product आपके पास दे रखा है भाई, equals to 2.194, so ये दूसरी side divide कर देगा, इसको divide कर देगा 4, 6, 9, तो आप पॉइंट हटाइए इसका, 12194 ओवर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा, पीछे 3 डिजिट है तो 1 के साथ 30 और ऊपर आप यहां से 2 डिजिट है तो यहां से आपके पास 100 आ जाएगा, सो आप देख रहे हैं कितना आएगा 12194 ओवर 469। ऑब्वियस है
आंसर में स्टार्टिंग में जो है ये नंबर जो पड़ा है आप इससे वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 469. सबसे पहले मैं 3 से करता हूं तो 27 आता है, 18 एंड 20 टू कैरी 12 एंड 14. तो यहां से आप देख रहे हो कि ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट से कंपेयर करें तो ज्यादा हो गया. तो फिर मैं 2 से करता हूं तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 12 एंड 13 1 और कितना आ जाएगा आपके पास 8 और 9. तो एक्चुअल में जब आप डिवीजन करेंगे 12194 की बाय 469 तो पहला आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 938. और ऑप्शन की हेल्प ले तो आगे के जो नंबर्स आएंगे वो पॉइंट्स में आएंगे. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, राहुल परचेजेस अ चेयर फॉर 600 एंड यूजेस 200 फॉर रिपेयर्स. इफ ही सेल्स इट फॉर 1000 रुपीज देन ही हैज नो प्रॉफिट नो लॉस, 25% लॉस, 25% प्रॉफिट एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ऑब्वियस है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि भाई 600 की तो उसने परचेज की थी, 200 रुपीज और लगा दिया तो ऑब्वियस है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800. और सेलिंग प्राइस कितना है, सेल आउट कर दिया 1000 रुपीज में तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट हो जाएगा इसके पास 200 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा. अब ऑब्वियस है कि प्रॉफिट वाला एक ही ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज एंड इफ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज. आपको बताना है कि नेक्स्ट 10 डेज में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा. तो आप देखिए 13 डेज में कितना हो रहा है 15 डिग्री, तो ऑब्वियस है एक दिन में कितना हो जाएगा भाई 15/30 मींस हाफ डिग्री टेम्परेचर एक दिन में हो रहा है. तो 10 दिन में पूछ रखा है तो इस साइड भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 डेज आ जाएगा, इस साइड भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 5 डिग्री. सो 5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज वर काउंटेड इन टूज दे वर आर वन वन एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा. क्या किया कि मैंगोज को जब काउंट किया दो दो के पेयर में तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया. और उसके बाद क्या किया कि 3-3 में जब काउंट किया तो 2 एक्स्ट्रा मिल गई, 4-4 में काउंट किया तो 3 एक्स्ट्रा मिल गई, काउंटेड इन 5-5 तो आपको 4 एक्स्ट्रा मिल गए, काउंटेड इन 6 तो आपको 5 एक्स्ट्रा मिल गए, बट काउंटेड इन 7-7 देयर इज नो एक्स्ट्रा. इसका मतलब है कि बास्केट में जितने नंबर ऑफ मैंगोज थे वो टोटली किससे डिविजिबल थे 7 से, क्योंकि बचा ही नहीं तो 7-7 के पेयर में सारे के सारे हो गए. तो आप क्या करेंगे हर एक नंबर को 7 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, अगर जो नंबर डिवाइड हो गया वो आपका आंसर होगा. 7 बन जा 7, हाउ मच लेफ्ट 4, 49 बना तो 7 भी जाएगा डिवाइड हो गया. 11 10 की बात करें 7 बन जा 7, 4 लेफ्ट 40 आएगा नहीं डिवाइड होगा. अगर आप इसको डिवाइड करें तो 7 बन जा 7, 4 लेफ्ट 41 बनेगा डिवाइड नहीं होगा. 126 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बन जा 7, 5 लेफ्ट 56 बचेगा. So, 8 बट आपसे लिस्ट पूछा है मतलब लिस्ट मेनी मैंगोस मतलब छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है तो वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड 27 गेट्स रिवर्स्ड. क्या है सपोज कीजिए मेरे पास दो डिजिट का नंबर है ए बी, अगर मैं इसमें 27 एड कर देता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए रिवर्स होके बी ए आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं, करिए 27
इसमें अगर 27 ऐड करें तो कितना हो जाता है 54, बट इसका रिवर्स नहीं आया है। अब 24 में 27 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 और 4 कितना आ जाएगा 11 और 4 51 आएगा। ये भी रिवर्स होके नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। 47 की बात करें तो 7 और 7 कितने होते हैं 41 कैरी, 3 एंड 4 7, तो आप देख रहे हैं कि 47 का रिवर्स होके आ गया 74। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रेशियो ऑफ द इनकम टू वी, द रेशियो ऑफ इनकम टू वी एक्सपेंडिचर ऑफ राधा। रेशियो दे रखा है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का, आपके पास रेशियो दे रखा है, तो आपके पास जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 7x और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपके पास 5x। मतलब क्या है कि अगर आप 7 रुपए कमा रहे हैं, 7 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो 5 रुपीज एक्सपेंड कर दे रहे हो, तो मतलब 2 रुपए आपने सेव कर लिए, तो सेविंग वाला जो होगा, सेविंग वाला रेशियो कितना आएगा 2 आएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 2x। आपने क्या करना है 2x, और सेविंग एक्चुअल में है कितनी आपकी 2000, 2000 के इक्वेट कर दो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एनुअल इनकम, तो आप मंथली इनकम निकाल लीजिए 7 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 1000, सो 7000 आपकी एनुअल इनकम है, और आप सॉरी मंथली इनकम है तो एनुअल निकालनी है आपने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 7 12 84, सो 84,000 इज द एनुअल इनकम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 3:5। इट कॉस्ट 3200 मींस 3200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर। What would be the cost of developing the lawn at the rate of 10 rupees per square meter? तो maybe आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। लेंथ का जो रेशियो दे रखा है आपके पास, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 3x, विड्थ आपके पास आ जाएगी 5x, और जो फेंसिंग करवाने की कॉस्ट है वो कितनी है 3200 है, तो ऑब्वियस है कि फेंस जो करवाते हैं आप पैरामीटर के ऊपर करवाते हैं, मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो आप क्या करेंगे इस रुपीस को जब पर मीटर रुपीस से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1600 मींस 1600 पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर होता है, और पैरामीटर इक्वेट कर देंगे 1600 की इक्वल, तो यहां पे 800 आ जाएगा। लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कीजिए 3x और 5x, तो 8x आ जाएगा, सो इक्वल्स टू 800, सो x की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो 100 आ जाएगी x की वैल्यू। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी बन जाएगी आपके पास, लेंथ का रेशियो था सॉरी लेंथ जो आपके पास थी 3x की, तो 3 × 100 आपके पास, और ये मीटर लिखा है तो यहां पे साथ में मीटर आ जाएगा, बिकॉज ये जो आपके पास पैरामीटर आया था मीटर में आया था। सो 300 मीटर आपकी लेंथ होगी, विड्थ की बात करें तो 5x था, सो 500 मीटर आपकी विड्थ होगी। अब आपको क्या करना है कि उस लोन को डेवलप करना है एट द रेट ऑफ दिस, तो ऑब्वियस एरिया की बात होगी, L into B करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 1, 2 and 2, 4 जीरोस आ जाएंगे 15 के साथ, और रेट दे रखा है भाई, ये एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आता है, और पर मीटर स्क्वायर की आपके पास कॉस्ट जो दे रखी है वो 10 रुपीज दे रखी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो हाउ मेनी जीरोस 2, 2, 4 एक 5 आ जाएगी, सो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।
आई होप ही आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, जितने मैंने 20 क्वेश्चंस आपको यहां पे एक्सप्लेन किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।